चलिए, इन सारी चीजों पे ईमान लाने के बाद हमारे पास एक चीज बचती है, आखिरत पर ईमान लाना, जिससे बाकी जितने भी मजहब के लोग हैं वो इस चीज पे यकीन नहीं रखते कि आखिरत है, लेकिन अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आखिरत है। आखिरत पर ईमान की जिंदगी के बाद एक और जिंदगी भी है जो हमेशा रहने वाली है। ये जिंदगी तो बहुत आरजी जिंदगी है, इसमें हमारे दुख भी आरजी हैं, हमारे सुख भी आरजी हैं, जो दायमी और अबदी मरने के बाद एक दिन तमाम इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप कुरान पाक की वो आयत कोट करेंगे कि जिसने इंसान को पहले बनाया, क्या उसके लिए बाद में इंसानों को बनाना क्या मुश्किल है? जो पानी के एक कतरे से इंसान को बना सकते हैं, क्या उसके लिए उस सारे इंसान को? अगर यहाँ पे बात सुने, अगर यहाँ पे आपको कुरान पाक की कोई आयत याद ना आ रही हो, तो आपने वो अपने एग्जाम्पल जो है वो अपने माइंड में रख लेनी है कि जब हजरत सुलेमान ने अल्लाह ताला से पूछा था कि आप मरने के बाद इंसान मरने के बाद दोबारा आप कैसे जिंदा करेंगे, हजरत सॉरी हजरत आदम, हजरत सुलेमान नहीं, हजरत मूसा अलैहि सलाम, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि आप जो जानवरों का एक जोड़ा है, मतलब जो परिंदे हैं चिड़िया, आप उसको अपने पास बुलाएं। जब उन्होंने अपने पास बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप इसको पालें। जब उन्होंने उसको पाला तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि आप इसके एक एक टुकड़े करके ना, ये जितने भी पहाड़ हैं ये टुकड़े इन सब के ऊपर रख दें। ये आपने वहां पे कोट कर देनी है। जब उन्होंने वहां पे रख दिया तो उन्होंने आवाज दी, तो वो सारे के सारे टुकड़े जो है वो सारे इकट्ठे होकर एक जिंदा बन गया दोबारा फिर। लेकिन अगर इंसान ऐसा कर सकते हैं, क्या अल्लाह ताला के लिए ये चीज मुश्किल है? नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आखिरत है और आखिरत होगी और आखिरत सबके लिए बरपा होगी, और आखिरत में ये भी होगा कि सबसे पहले जो हिसाब किताब का अमाल अमाल या जजा या सजा का काम शुरू होगा, वो कहाँ से शुरू होगा? वो सबसे पहले हम देखें आखिरी उम्मत है। अल्लाह ताला का कितना करम है ना हम पे, हम सबसे आखिरी उम्मत है और सबसे पहले हिसाब किताब हमारा होगा। अगर यहाँ पे आप लोग ये लिखना चाहें तो लिख लें, ये दुनिया अमल की जोला गा है, कोई मेकदा और खानका नहीं। अगर आप लोग लिखना चाहें ना ये वाला शेर तो लिख लें, मैम कौन सा? ये दुनिया अमल की जोला गा है, कोई मेकदा और खानका नहीं। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, अगर लिखना है तो लिख लें। यस मैम। ये दुनिया अमल की जोला गा है, हो गई मैम, हो गई। ये दुनिया ये दुनिया अमल अमल की जोला गा है, कोई अमल की जो लगा है मैकदा कोई मैकदा मैकदा मैं और कदा और खानका नहीं। खान खान अब इसका मतलब ये है, ये दुनिया अमल की जोला गा है। जोला गा का मतलब होता है खेती बाड़ी, या खेती के अंदर जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं। ये दुनिया एक खेती बाड़ी की तरह है कि जो बीज हम बोएंगे वही हम काटेंगे। ये नहीं है कि हम गंदम का बीज बो के वहां से चना काट लें। और दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि पहली लाइन में उसने कहा कि दुनिया अमल की जोला गा है, दूसरी में वो कह रहा है कि कोई कोई मैकदा यानी ये कोई शराब खाना नहीं है कि यहाँ हम आए सारा दिन मस्ती करते रहें और हम ये दुनिया खत्म होने के बाद हम खत्म हो जाएं। फिर वो आगे ये भी कह रहा है कि कोई खानकाह नहीं। खानकाह का मतलब ये है कि ये कोई पीर की बैठक नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमसे ये नहीं कहा कि आप दुनिया में आए सिर्फ मेरी इबादत करते रहें और बंदों के हकूक भूल जाएं। समझ आ गई है अभी इसकी? जी यस मैम जी आप बताएं, अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है इस्लाम के बुनियादी कायद में से, तो आप लोग क्या इस काबिल हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग लिख लें और हर एक पॉइंट के अंदर आप कुरान पाक की कोई आयत या कोई अहादीस या कोई भी अपनी तरफ से या किसी भी पैगंबर की अहादीस या कोई बात आप कोट ना कर सके, ऐसा है? लिख लेंगे ना आप लोग? लेंगे। और कोई आप लोग ग्रुप, यस आप लोग ये लिख के ग्रुप में सेंड करेंगे या नहीं? क्या क्या करना है, मतलब अल्लाह के बारे में और प्रॉफिट के बारे में, जो भी हदीस है और जो भी लिख लें कुरान में ना, आया था ये उनके लिख बारे लें, में। आप लिख लें। इस्लाम के जी बुनियादी कायदे में से है जी अल्लाह ताला पर ईमान लाना,
रसूलों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, और उसके बाद है किताबों पर ईमान लाना, नेक्स्ट हमारे पास है आखिरत पर ईमान लाना। ठीक है, मैम इन सब पे जो आयत निकल रही है, जो जो आपने बताए। देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, आप या जी जी इस्लाम के बुनियादी अकायद के बारे में आप क्या जानते हैं, फिर आपने इन सब पे ऐसे ही लिखना, सिर्फ इतना लिखना जितना मैंने आपको बताया, आपकी 1 से 1.5 शीट इसी पे पूरी हो जाएगी। ओके मैम ठीक है। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि अकीदा तौहीद क्या है, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक अकायद के बारे में पूछते हैं या किसी भी एक स्पेसिफिक हमसे चीज के बारे में पूछते हैं, तो फिर हमने सिर्फ उसी के गिर्द हमने मूव करना है, उसी के गिर्द हमने जैसे मतलब रहना है, कि अल्लाह उसी के बारे में रखते। पूछ रहे, तौहीद के बारे में पूछ रहे, तो हम सिर्फ तौहीद के बारे में कोई आयत जो है या कोई हदीस वो रेफर करेंगे। कोई नहीं, उसमें 3 से 4 करेंगे एक क्वेश्चन के अंदर। जी जी ठीक है, जी मैम ठीक है, इतना काफी है या आगे भी पढ़ना है? मैम आपको जो सही लगे। नहीं, मैं तो, मेरी तो कैपेसिटी है, मैं पढ़ा लूंगी, आप लोग देखें, तो मेरी आप लोग हमारी भी देखें। है मैम, हम भी सुन लेंगे। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर या तो फिर हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। मैं वहां के स्टार्ट कर दूं। चलिए ठीक है, अगर वो आपसे कह देते हैं कि अकीदा तौहीद पढ़ लें आज हम, या कोई और क्वेश्चन कर लें, या कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को पसंद हो वही बता दें, हम उसी पे बात कर लेते हैं। जी मैम, मुझे ना ये पूछना है, जो हॉली प्रॉफिट है उनका जो किरदार जी है, जैसे कि कहते हैं डिप्लोमेटिक एजुकेटर, मतलब हॉली प्रॉफिट के बारे में, जो जो उनके जो वो कैरेक्टर्स है ना, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है ना, तो आपको ये आएगा कि अस्वे हुस्ना पर रोशनी डाले। जी ठीक है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या जानते हैं, और उनकी जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं, या उनकी जिंदगी हमारे लिए, उनकी जिंदगी हम पर किस तरह से जी असरअंदाज हो रही है। ठीक है, यानी अकीदा तौहीद के, इसको हम कहते हैं रिसालत पर यकीन, यानी रसूलों पर यकीन रखते हैं। इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखने का मतलब ये है कि उससे पहले जितने भी पैगंबर आए थे, 1,24,000 पैगंबर, हमने उन सब पे यकीन रखना जरूरी है। अगर हम इन सब पैगंबरों पर यकीन रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इत्तेहाद में, इत्तेहादे मिली में है। और इस बारे में अल्लाह ताला जो है ना कुरान पाक में इस तरह से बयान करते हैं, सूरह इमरान में है कि वतासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका ना डालो। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि यानी अगर सब लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल दरामद करें और बाहम तफरका ना डालें, तो वो माशरा सिस्टर अपलाई द्वार बन जाते हैं। यानी वो सारे लोग जो हैं, वो अल्लाह ताला पर यकीन रखने के साथ साथ उसके पैगंबर को भी, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और उनके ऊपर ईमान लाते हैं। अच्छा, अब हम क्यों ईमान लाते हैं हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर? उन्होंने हमें क्या दिया था? उन्होंने हर वो काम करके दिखाया गाइडेंस था जो, जी गाइडेंस दी थी हॉली प्रॉफिट ने हमें, जी जी इसलिए उन्होंने हम। गाइडेंस, उन्होंने हमें मसावत का दर्स दिया था। उन्होंने हमें यही कहा था ना कि सब मुसलमान भाई भाई, देखें जो उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा के मौके पर बताया था कि किसी भी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है, अलबत्ता तकवा की बुनियाद पर। ये बात उन्होंने क्यों इस वजह से की थी कि मेरे बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने फिरके बना ले, अपने ग्रोह बना ले, एक फिरका दूसरे फिरके को कहीं डिफेम ना करे, इस वजह मैम से तो उन्होंने फिरके तो मसावत वैसे बन गए हैं ना अभी। ये बन गए हैं, जबकि उन्होंने तो उस टाइम में कहा था ना। तो यहाँ पे आप लोग मसावत का दर्स, ये पॉइंट का नाम देने के बाद आप लोग लिख सकते हैं कि किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर, या किसी अरबी को अजमी पर या अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, अलबत्ता तकवा की बुनियाद पर। ये भी आप लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि एक एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। जी जी जी,
की आवाज बहुत सख्त आ रही है, मेरी आवाज आपको कम आ रही है? नहीं मैम, हमें सही आ रही है, हमें सही आ रही है। किस बच्चे को नहीं आ रही? उनका अपना नहीं। जिस बच्चे को ना आवाज नहीं आ रही वो रीज्वाइन करें, फिर शायद आवाज ठीक हो जाए। मैम असाइनमेंट कौन सी है आज आपने? मैंने एक तो आपको ये बताया है कि पीछे जिस जिन जिन के ना आवाज आ रही है ना, बाकी बच्चे उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैंने आपको ये बताया है कि एक तो आप यहाँ पे मुसावत के दर्स में ये कर सकते हैं कि किसी काले को किसी एक्सक्यूज पीले मी को, और मैम, दूसरा जी बोले जी बच्चे बोले, मैं सुन रही हूँ। बच्चे बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, बोले आप। चलिए ठीक है, शायद उनकी तरफ ना कोई प्रॉब्लम है। आपने जहाँ पे ये मसावत का दर्श देने के बाद, उसके बाद आपने लिखना है इस्तेहकाम अमन, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्श दिया था, हमें माशियत बार में भी और माशरे में भी, और माशी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी। उन्होंने यही कहा था कि अगर माशियत बार से कोई माशरा मजबूत और मुस्तहकम होगा तो वो माशरा इस्तेहकाम और अमन भी अमीन साबित होगा। अब इसकी बात हमें कहाँ से मिलती है? इसकी बात, इस चीज का सबूत हमें वहां पे मिलता है जब हम वहां जाके कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। वहां पे जाके हम कहते हैं ना, वहां पे देखिए कितने 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 कंट्री से लोग आए होते हैं, कोई बड़े कंट्री से, कोई छोटे कंट्री से, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, किस किस तरह के लोग होते हैं। लेकिन वहां पे सारे के सारे किस तरह किस तरीके से होते हैं, इतनी ज्यादा भीड़ में भी एक अमन होता है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट दे सकते हैं, इस्तेहकाम अमन। और उसके बाद घरेलू जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में भी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की, हजरत खदीजा की हेल्प किया करते थे, बकरियों का दूध जो है वो खुद दो दिया करते थे। हमेशा जो है वो आसाइश ला घरों की जिंदगी पर कल्बी लगाव, खलूस, सुकून और इत्मीनान का साया रहता है, यानी खानदानी अफराद की रूहानी अखलाकी इकदार, यानी जितने मुस्तकम होंगे इतमाही जिंदगी भी इतनी ही सादत और खुशबख्ती का बायस होगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अगर कोई भी इंसान, उन्होंने ये, जैसे आजकल के हमारे नौजवान कहते हैं ना कि हमें तो चार शादियों की इजाजत है, हमें चार शादियों की इजाजत है, बच्चे वो उन्होंने इस वजह से कहा था, अगर आप लोग अपनी बीवियों में इंसाफ कर सकते हैं तो, अगर एक बीवी को अगर आपने अच्छा सूट खरीद लिया दूसरी को नहीं, तो फिर ये तो गलत बात है ना, इसकी जवाब तो आपको होना पड़ेगा क्यामत के दिन। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों के अंदर इंसाफ करके दिखाया था हमें। उसके बाद फिक्री इतिहाद, ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, ये आप साथ साथ नोट करते जाएं। फिक्री इतिहाद, फिक्री इतिहाद में आप लोग ये लिख सकते हैं कि इन्नत दीना इंदल्लाह इस्लाम, बिला शुबा दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। इतिहाद देखिए यहाँ पे एक्सक्यूज वर्ड इतिहाद जी, मी, वो जो शेर तो दोबारा लिखवा दें, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद अयाज। हाँ लिख लें आप, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद अयाज, एक ही साथ में खड़े हैं महमूद और अयाज, आगे हैं। ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये लिख लिया, एक हिसाब में खड़े हो गए, खड़े हैं महमूद और अयाज, आगे ना कोई बंद ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ना बंदा नवाज जी, मैं लिख लिया, ना ठीक कोई बंदा रहा ना बंदा है नवाज। है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जी जाके अमीर गरीब काले गोरे सब एक हो गए हैं। वहां पे ना कोई, ना तो कोई अमीर रहा, मतलब ना कोई चेयर पे बैठ के हुक्म चलाने वाला रहा, और ना ठीक ही है, वहां थैंक पे यू कोई मैम, खादिम लिख रहा। लिया है। चलें ठीक, उसके बाद फिक्री इतिहाद जो है, फिक्री इतिहाद में आपने ये कोट करना है, वहां पे ये कुरान पाक की आयत का रेफरेंस देना है, इन्नत दीना इंदल्लाह इस्लाम, बिला शुबा दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। ठीक है,
और उसके बाद आपने जो पॉइंट का नाम देना है वो, उसके बाद जो पॉइंट का आपने रेफरेंस देना है वो ये है ताल्लुके बिल्ला, यानी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक हमारा किस तरह से मुस्तहकम हो सकता है? अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक इसी तरीके से मुस्तहकम हो सकता है जब हम दुनिया में रहते हुए बाकी इंसानों के हकूक अदा करेंगे। यानी अगर हम किसी का हक नहीं मारेंगे, अल्लाह ताला से हम डरेंगे, हमारे दिल में डर पैदा होगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारा कोई रब है। ठीक है, यानी खुदा को मानने का जहां तक ताल्लुक है तो इसी को सभी मानते हैं, लेकिन ये मानना आप पर हुज्जत तमाम करते हैं कि जिसे लाजिम आता है। आप इसके हकूक भी मानते हैं, खुदा ने दुनिया में इंसान को एक महदूद जिंदगी, महदूद दायरे में महदूद अख्तियार देकर इम्तिहान के लिए मोहलत दी है। ठीक है, हम सब के लिए एक जो है ना स्पेसिफिक जगह है, ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे बंदे की प्राइवेसी जो है उसको डिस्टर्ब करें। अगर कोई भी बंदा गुनाह कर रहा है, हम सिर्फ उसको रोक सकते हैं, हम उसको ये नहीं कह सकते, हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जोर जबरदस्ती तो हम उन पे भी नहीं कर सकते जो कुफर की हालत में होते हैं। हम सिर्फ उसको ये बता सकते हैं कि भाई ये रास्ता आपके लिए बेहतर है और ये वाला बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे जो कुरान पाक की हमने आयत लिखनी है वो ये लिखनी है कि इन्नल्लाहा माल्लज़ीन तक़ू वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह इन लोगों के साथ है जो तकवा अख्तियार करते हैं और जो लोग के हुस्ने सलूक करते हैं। ये अरबी आप लोगों ने नहीं लिखनी है तो ना लिखें, बट इसका जो ट्रांसलेशन है ना वो लिख लें, बेशक अल्लाह इन लोगों के साथ है जो तकवा अख्तियार करते हैं। मैम, एक सवाल है। जी आपने कहा कि किसी से हम मतलब फोर्स नहीं कर सकते उसको बात मनाने के लिए, पर जितना मुझे पता है कि जो मतलब कहते हैं कि अल्लाह ने खुद कहा है कि जो हुकूमत करते हैं हुक्मरान हैं, तो उनका जी फर्ज है कि वो अपने मुल्क को सही तरीके से करें। और जहां तक देखा है हमने कि अफगानिस्तान में ऐसा होता है कि वहां पे एक है कि लड़कियों को इस तरह से रहना है और एडल्ट्री की सजा होती है, या हमारे यहाँ भी जब मार्शल वाला का था जियाल हक के दौर में, तो तब भी मतलब बहुत लोग खिलाफ थे कि ये जोर जबरदस्ती है, पर अल्लाह ने खुद कहा है कि जो हुक्मरान है उसको ये है कि वो अपने मुल्क को सही तरीके से करे। तो अगर वो सख्ती ना करेंगे तो फिर मतलब कुछ भी चीज सही नहीं होगी यहाँ पे, जैसे अब हो रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल भी हमारे हुक्मरान जो है सही से नहीं करते, तो किसी को भी कोई खौफ नहीं है। इतनी एडल्ट्री हो गई है पर किसी को कोई खौफ नहीं है, तो फिर ये सख्ती है या सही है? आप देखें, अब इसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अब इसके बारे में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि आप लोग ना प्लेबसाइट, अगर आप लोग अपने किसी भी हुक्मरान का चुनाव कर रहे हैं तो उसके लिए प्लेबसाइट करवा लें, यानी कि अवाम के पास चले जाएं, अवाम जिसको चुने, अवाम ने जिस बंदे को चुन लिया उसने एक बार कहा कि धांधली हो गई है मेरे साथ, तो फिर दोबारा फिर से वोटिंग करवाएं। अगर फिर उसने कहा कि धांधली हो गई है, फिर से वोटिंग करवाएं। अगर तीसरी बार उसने ये कहा कि मेरा हक मारा गया है और धांधली हुई है, तो उस हुक्मरान की गर्दन जो है उसके तन से जुदा कर दें। वो हुक्मरान जो है वो हुक्मरान कहलवाने के काबिल ही नहीं है। तो यहाँ अब पे से ये हो बात नहीं रहा हमारे जैसे। इस्लाम में भी है, ये बात हमारे इस्लाम में भी है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे या जिन लोगों को पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ेंगे, वो बात प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस भी यही बात कहते हैं। जी, और मैम अल्लाह का ये भी फरमान है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, एडल्ट्री ज्यादातर जो कुरान में वाजह है, तो आप उस पे रहम ना खाएं, आप उनको उस हाल पे छोड़ दें। और आप कह रही हैं कि हम मतलब उनको कुछ ना कहें, कि आप बस इतना कहें कि आप गलत कर रहे हैं, सही राह पे आ जाएं, तो अब हम उन पे रहम खाएं या मतलब क्या करें? ये चीज थोड़ी कंफ्यूज करती है। इसके ना इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज आपको मैंने बताई है वो एज अ हुक्मरान के तौर पे बताई है कि हुक्मरान के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि हम जो हैं वो बहुत कमजोर लोग हैं, और हमारे सामने जो गुनाह करने वाले हैं ना वो बहुत शातिर लोग हैं, ये बहुत पहुंची हुई कोई हस्ती है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उन्हें जी हाथ से नहीं रोक सकते, हम उनके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते, लेकिन हम अपने दिल में उनको बुरा कह सकते हैं, और इस चीज की इस्लाम ने हमें इजाजत दी है। हाँ, अगर आप उस बंदे के खिलाफ तलवार उठा सकते हैं तो उठाएं, अगर आप तलवार नहीं उठा सकते तो उसे मुंह से रोकें, अगर मुंह से भी नहीं रोक सकते तो फिर आप अपने दिल में उसे बुरा समझें, उसे ताल्लुक ना रखें। इस्लाम ये कहता है। मैम, फिर अल्लाह ये भी कहता है कि मैं जब माफ करता हूँ तो आप कौन होते हैं माफ ना करने वाले? तो वो बंदे कहते हैं कि आप लोग हमें मतलब गुनाहगार फील करवा रहे, या ये कुछ इस तरह से, तो मतलब रहम इसकी ये खाएं है या ना, क्या करें उस पे, माफ देखिए कर इसकी दें ये है या? ना, इसकी भी इस्लाम जो है ना वो इसका रास्ता देता है। अगर एक बंदा जो है उसे गलती हो गई है और वो अपनी गलती पे पछता रहा है,
वो अपनी गलती सुधारना चाहता है, फिर अल्लाह ताला तो उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद करता है ना। जैसे वो और अगर देखिए नहीं कर रहे कितना ये चीज, पछता भी लंबी नहीं रहे, इसके लिए और अल्लाह ताला ने इसके लिए कितनी प्यारी बात बताई है ना। वो कितनी सदियां तक वो कहता रहा कि या सनम या सनम या सनम, सिर्फ एक बार उसके मुंह से निकला था या समद, तो अल्लाह ताला ने फौरन कह दिया था जी मेरे बंदे। जी इस बारे में अल्लाह ताला यही कहता है कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है, वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है, वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, तो आप उसको माफ कर दें और उसका अजर जो है ना अल्लाह ताला आपको देगा। जब हम बात करते हैं ना अदलो इंसाफ की, इंसाफ का मतलब ये है कि जिसने जैसा आपके साथ किया आप भी उसके साथ वैसा करें, लेकिन अदल का मतलब ये है कि जिसने आपके साथ बुरा किया आप उसको माफ कर दें। उसको मुझे माफ एक करने का सवाल मतलब, करना है। जी बोले बोले। बोले आप खामोश हो गए हैं बच्चे फिर। शायद इनका आवाज सही नहीं है। हाँ शायद उनके साइड पे ना आवाज ठीक नहीं है। जब आवाज ठीक हो ना फिर आप पूछ लीजिएगा आपको जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर हुक्मरान हमारे साथ बुरा करते हैं तो उनके लिए हम क्या करना है, अगर कोई ऐसे जी लोग हैं जो बहुत ज्यादा बासर हैं तो उनके लिए हमें क्या करना है, और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो बासर नहीं है तो उनके लिए हमें क्या करना है। मैम, तो ठीक है, मतलब किस सख्ती करनी है कि नहीं करनी उन लोगों पे? जैसे कि आपको पता है कि घर में एक माहौल होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हम पे सख्ती रखते हैं कि ये चीज करनी है, मतलब ये नहीं करनी, ठीक है? तो ये चीज तो सही हुई ना, उनका हक है कि हम पे ये चीजें रखें, पाबंद करें कुछ चीजों के लिए। देखिए कुछ कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि वालदैन गलत होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे वालदैन ठीक हो, जी ये भी है। क्योंकि देखिए अब हमारा जो टाइम है ना वो और टाइम है, जो वालदैन जिस टाइम से गुजर के आए हैं वो और टाइम था, तो फिर उसके लिए ना थोड़ा सेक्रीफाई कर जाना चाहिए, कुछ उन्हें सेक्रीफाई करना चाहिए, कुछ हमें सेक्रीफाई करना चाहिए, कुछ उनसे बातें मनवा लेनी चाहिए, कुछ हमें बातें मान लेनी। जैसे कि एक बार एक बूढ़े आदमी जो है वो वजू कर रहे थे तो वो गलत कर रहे थे वजू, हजरत इमाम हसन और हुसैन जो है वो वहां पे खड़े थे, अब उन्हें वो रोकना चाहते थे लेकिन वो किस तरह से कहते, डायरेक्ट नहीं कह सकते थे, वो उस बूढ़े आदमी के पास है और उन्होंने उनसे कहा कि बाबा जी हम यहाँ पे वजू करते हैं, आप देख के बताएं कि वजू, उन्होंने कहा कि आप देख के बताएं कि वजू हसन ठीक कर रहे हैं या हुसैन ठीक कर रहा है। जब उन दोनों ने वजू कर लिया तो फिर बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा आप दोनों ने वजू ठीक किया, मैं वजू गलत कर रहा हूँ। देखिए माशाल्लाह, इस्लाम कितनी प्यारी प्यारी हमें इसकी एग्जाम्पल देते हैं और कितनी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं हमें। चलिए जी मैम। काफी सर, हाँ जी बोले, आपने हैंड रेज किया होगा, किसने, ख्याल ज्यादा खान बोले आप। हाँ जी बेटा बोले, क्या कहना है आपने। बोले ना फिर, क्लास वाइंड अप करें हम, फिर आप लोगों ने भी कुछ अपने काम वगैरह करने होंगे मैम एक अपने आखिरी लिए। सवाल, हाँ बोले बोले। मैम जो बैक बाइटिंग होती है, तो जैसे आपने कहा कि अगर कोई गुनाह कर रहा है तो हम उसके मतलब अपने दिल में उसके लिए बुरा रखें कि ये बुरा कर रहा है, और किसी से शेयर भी कर लेते हैं, तो फिर वो गलत है कि नहीं? क्योंकि एडल्ट्री जो होती है ना, मतलब उसके लिए अल्लाह ने कहा है कि वो आप पब्लिक में करें, लोगों को मतलब उस लोग जिसने किया है ये काम उसको जाहिर करें पब्लिक में, और फिर ये बैक बाइट में आ जाता है या सही? देखिए अगर अगर किसी भी बंदे में कोई बुराई आपने पाई है ना, तो आप उसको ना साइड पे ले जाके ना उससे खुद जाके कह दें कि आपने ये काम ना ऐसे किया है, बजाय इसके कि आप दूसरे बंदे को कहें तीसरे बंदे को कहें, तो ये गलत बात है ना। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो नुकसान होगा वो तो हमारे हिस्से में तो गुनाह लिखा गया, इससे ये भी होगा कि वो बंदा जो है बजाय अपनी गलती सुधारने के वो ढीठ हो जाएगा। मैम अल्लाह ने तो कहा है कि उसको पब्लिक करें, उसको लेकिन सौ एक कोड़े मौका जो उसको लगाए गए हैं तो देना, पब्लिक में लगाएं। एक मौका उसको देना उस बंदे को, हो सकता है वो बंदा सुधर जाए, दोबारा वो गलती करे ही ना। फिर तो करनी अच्छा चाहिए ना इस्लामिक, मैम। ये तो वैसे भी हमारे मुल्क में नहीं है, पर ईरान में ऐसा होता है और बहुत सारे अफगानिस्तान में ऐसा होता है, तो मैं बस ये कह रही हूँ कि आपने फोर्स की बात की ना,
तो फोर्स एक अलग चीज हो गई, और जो उनके मतलब रूल्स हैं, जैसे कि हुक्मरान के अपने फराइज हैं, उनको ये कंप्लीट करने हैं, वो नहीं कर रहे तो जी उनपे सजा होगी। हाँ, उन पे सजा होगी। जी अच्छा जी, बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने पेपर इस्लामियत का उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है। बच्चे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप इस्लामियत का पेपर जो है वो उर्दू में दें। आप डिफरेंट लोगों के पास जाएंगे, डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट मशवरे देंगे, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते क्या आप उर्दू में अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी उर्दू राइटिंग अच्छी है, आप उर्दू में लिख सकते हैं तो उर्दू में लिखें, अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो फिर आप इंग्लिश में दें, आप किसी और की बात माने ही ना। लेकिन मोस्टली ये किया जाता है कि बच्चे जो है ना वो उर्दू में पेपर देना पसंद करते हैं, और उर्दू में ठीक भी रहता है। हाँ, उर्दू ठीक रहता है बच्चे, हम उर्दू में ना वो चीजें अपने इस्लाम के बारे में जो चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं कर सकते एक्सप्रेस। चलें, ये इधर ये चीज हो गई इस्लामियत हमारी, कुछ ना कुछ समझ आई आप लोगों को इस्लामियत के बारे में, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी यस ना मैम, आपको। बहुत कुछ समझ में आ गया। और असाइनमेंट का आपने क्या कहा? असाइनमेंट आप ये कीजिएगा कि जंग और जिहाद में क्या फर्क है, ओके ठीक है, आपने ये लिखना है और फिर उसके बाद ग्रुप में सेंड करना है, बाकी बच्चे भी लिखेंगे फिर वो भी सेंड करेंगे, फिर देखेंगे ना। इंग्लिश में हो या उर्दू में हो? हाँ, और इंग्लिश में जो उर्दू में जिसको जो आसान लगता हो उसी में कर ले। असाइनमेंट ओके मैम, टॉपिक अच्छा है। रिपीट कर दें असाइनमेंट का, या क्या है आज की जो मैं असाइनमेंट में ये है कि बच्चे ये लिखेंगे कि जंग और जिहाद में क्या फर्क है, जंग और जिहाद जिहाद में क्या फर्क है। में फर्क कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जी, कुरान सुन्नत की रोशनी में, ये ना पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों की जी हो गई असाइनमेंट, ये आपने सॉल्व करके देनी है विद इन 24 आवर। ओके ठीक है, आप फिलहाल तो हमारे ना डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, तो सॉरी, तो जो ही हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, उस दौरान मैं आपको बकायदा वीकली बेसिस पे टेस्ट भी दिए जाएंगे, वीक में एक दो असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, जो जो सब्जेक्ट जिसमें आप एनरोल करेंगे, और बकायदा MCQ बेस्ड भी टेस्ट होंगे आपके, और उसके अलावा रिटर्न भी होंगे जो आपने PDF बना के हमको सेंड करनी होगी, और दोबारा से हम चेक करके वो आपको रिटर्न कराएंगे। ओके सर। हाँ, इसके अलावा बाकी किसी क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑन द अदर हैंड, नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी आपका जो है ना थोड़ी देर में पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और शेड्यूल मैंने क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। एक्चुअली पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासेस 2 दिन से नहीं होनी, उसकी वजह ये है कि जो मैम जो पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाती हैं उनका थोड़ा आईज का इशू है, तो इस वजह से वो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, और जो दूसरे इंग्लिश की क्लास है वो भी थोड़ी इसी वजह से डिले हो रही है कि थोड़े से घरेलू इश्यूज हैं उनकी, जो टीचर हैं साकिब एहसान साहब उनकी वालिदा का थोड़ा सा इशू है, जिस वजह से वो भी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे हम सेशन स्टार्ट करेंगे 10th of April से, तो ऑलमोस्ट तमाम टीचर्स अवेलेबल होंगे आपके लिए, और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपकी क्लासेस हुआ करेंगी जो शेड्यूल में बताई हुई है। सर जी, जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तो फिर आप मतलब बताएंगे फीस वगैरह का भी? फीस वगैरह अगर आप लोग अभी जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं जाहिर सी बात है वो भी तो इनरोल होंगे, तो फीस वगैरह का शेड्यूल ये है कि पर थाउजेंड जो है ना, पर सब्जेक्ट जो है ना, पर थाउजेंड हमने रखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर जो है। ये सही है, फिलहाल के लिए आप यही रखें, फिर बाद में भले आप इनकी कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि हमारा ओवरऑल जो है ना PMS का ये फर्स्ट सेशन है, तो जी जी इसलिए हमने कहा कि मिनिमम फीस रखें। हाँ, सर, ये सही है बिल्कुल। जितने सब्जेक्ट्स में आप इनरोल होंगे उसी लिहाज और से। सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, फिर मैं उनको भी बता दूं?
हाँ जी, अगर आपके रेफरेंस से जो भी स्टूडेंट आते हैं तो उनको भी ले आए, जी मोस्ट वेलकम। अच्छा, बाकी जो लोग काइंडली जो इनरोल होना चाहते हैं ना अगले बैचेस में, मतलब कि जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें, तो काइंडली वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देंगे ताकि मैं उनका सेपरेट एक ग्रुप बना लूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्टूडेंट्स वाकई में विलिंग हैं कि फर्दर इनरोल होंगे, स्टडी करना चाहते हैं सेशन में। जी ओके सर हाँ, लाजमी तौर पे मुझे मैसेज कर देंगे। और ठीक है अभी मैं ग्रुप में पूल सेंड करने वाला हूँ, तो उसमें भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं और उसके बारे में आप प्रॉपर एक रिव्यू देंगे। ये हमारी जो है ना, हमें ये चीज़ ना मोटिवेट करती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमसे सेटिस्फाइड हैं और हम जो है ना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से हम मोटिवेट होते हैं, मज़ीद अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। ठीक है, जी सर ओके सर ओके। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जी, अरसलान, पीपीएससी में एमसीक्यू बेस्ड वन पेपर होता है, लेकिन जब हम एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमें थ्योरेटिकल वे में जाना पड़ता है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप ऐसे रट्टा लगाएंगे एमसीक्यू, तो रट्टा लगाए हुए एमसीक्यू आप कितने देर के लिए याद कर पाएंगे, 1 महीना, 1.5 महीना, उसके बाद फिर आपको भूल जाएंगे। जब आप थ्योरेटिकल वे में कोई चीज़ स्टडी करेंगे ना, जैसे हम स्टडी करते हैं रिवर्स, पाकिस्तान के रिवर्स के बारे में, तो जब तक हमें पूरी हिस्ट्री रिवर की नहीं पता होगी तो क्या हम मालूम कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, बता पाएंगे कि किसी रिवर के बारे में, उसकी लेंथ के बारे में या उसके ओरिजिन के बारे में उसने पूछा, तो हम क्या बताएंगे? नहीं बता पाएंगे जब तक हम उसके पूरे टॉपिक को गो थ्रू नहीं करेंगे एक सब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से जब हम उसको गो थ्रू नहीं करेंगे। तो इसके अलावा सीएसएस में क्वेश्चन भी आते हैं। बाय, अच्छा, जो सीएसएस है ना उसमें 20 मार्क्स का जो है ना ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी 80 मार्क्स का जो है ना सब्जेक्टिव होता है। पीपीएससी का तो जो सारा वन पेपर है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ही होता है। सर आप पीएमएस का सिर्फ करेंगे या सीएसएस का भी करेंगे? पीएमएस और सीएसएस के सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, हाँ बस लेकिन ये होता ऑप्शनल है में फर्क होता कि है दो में। ऑप्शनल्स के अलावा कंपलसरी में भी थोड़ा सा फर्क होता है। कंपल्सरी में फ़र्क ये जी होता है कि इसमें पीएमएस में होता है उर्दू, उर्दू ग्रामर और उर्दू ऐसे, और उसके साथ जनरल नॉलेज का एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम जी वही सीएसएस के वाले से बात करें तो उसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इन तीनों पेपर को मिला के जनरल नॉलेज का पोर्शन उसको कंसिडर सीएसएस में कंसिडर किया जाता है। बाकी इसमें जी जो सर है ना उर्दू नहीं होती है सीएसएस में। सीएसएस में आप जो है ना उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आई थिंक सो। जी सर बाकी सिंधी होता है उर्दू के बजाय। उर्दू पीएमएस में उर्दू लाजमी सब्जेक्ट है जी जी उसमें लाजमी और सीएसएस में लाजमी नहीं है। सीएसएस में इंग्लिश ऐसे लाजमी है, प्रेसियन का पोजीशन है, उसके बाद करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, उसके अलावा इस्लामियात है। अगर हम पीएमएस की बात करें तो जो जीके का पेपर है वो होता है टोटली एमसीक्यूज बेस्ड, तो उसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स भी आ जाते हैं, इंग्लिश भी आ जाती है, इस्लामियात भी आ जाती है, जनरल साइंस भी आ जाती है, ये सारा हमने मैशअप करके सारा एमसीक्यू बेस्ड करना होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जीके का पेपर जो है ना एमसीक्यू भी होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल होते हैं। लेकिन अगर हम सीएसएस की बात करें तो उसमें जो कि जीके का पोर्शन है सीएसएस में, उसमें एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल भी हैं तो दूसरे में पास हो गए अच्छे नंबर से, तो वो आप पास कंसिडर किए जाते हैं। उसके बारे में जब हम जीएसए का सेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हम ये सारी बातें ना डिटेल से डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से जीके का पोर्शन जो है ना पास किया जाता है। इसके अलावा कोई किसी का कोई आंसर क्वेश्चंस? नो सर थैंक यू। ओके, तो
आप मुझे मैसेज करके बता देंगे फर्दर जो आप क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, ताकि उसी लिहाज से, और एक ऑनेस्ट फीडबैक भी देंगे। कल भी आपने इस्लामिया की क्लास ली है, आज भी क्लास ली है, कल आपकी मिस रानी रमजान की जो क्लास होगी पंजाबी की होगी, अगर आप लोगों ने पंजाबी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया हुआ है तो वो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो पंजाबी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कल की? सर जो एसे और पीसी वगैरह का है वो क्लास, एसे और प्रेसी वगैरह वो अभी मैंने बताया है कि सर की वालदा की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से थोड़ा क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे ना 10th of April से, तो तब वो इंशाल्लाह क्लासेस ज्वाइन करेंगे। हाँ सर आपको हम मैसेज कर दें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी जो हैं हमारे। बाकी आप जो है ना, आपकी जो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप मुझे मैसेज कर देंगे, और किन किन सब्जेक्ट्स में आप एनरोल होना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज कर देंगे। ठीक है, सर जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा, और रमजान का आज चौदहवा रोजा हो चुका है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सर आप भी। हम्म।